आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही थी कि आपने कहा जितना समय ग्राउंड को दोगे उससे ज्यादा वो आपको वापस देगा। उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि एक माइंडसेट की पहचान होती है उससे। बिल्कुल, ये भी मेरे जो कोच थे मामा जी, ये भी मुझे उन्होंने बोला था। तो उनके कहने का मतलब ये था कि जितना ग्राउंड में आप टाइम देंगे उतना वो आपको बैक टाइम देगी, उतना ही वो आपको ग्राउंड अच्छा रिस्पॉन्स देगी। वो इन सेंस कि आप प्रैक्टिस में अपना 100% दे दें। ये नहीं कि आप नेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है 2 बजे तो आप आ रहे हैं 4 बजे, तो वो आप पूरा ग्राउंड को टाइम दें। अपनी फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, जो भी आप अपना टाइम टेबल सेट किया वो आप दें। वो ये नहीं होता था कि यार चलो यार धूप कम हो जाए, सर्दी बहुत आज, जरा हीट बहुत है तो हम लेट चल जाएँ, 4 बजे चल जाएँ, 5 बजे चल जाएँ। जो टाइम उससे आधा घंटा पहले जाके अपनी प्रैक्टिस, नॉकिंग, जो भी था वो हम पहले करते थे। क्लब लेवल में या स्कूल लेवल में यही होता था कि सॉरी अपने आप को जितना मैं ये होता था कि जितना मैं ग्राउंड में रखूं उतना अच्छा है। मैं जिस तरह नेट स्टार्ट होता था 2 बजे तो मैं वहाँ पे होता था 12 बजे, कभी कभार 11 बजे पहुँच जाना। जाके पहले हम ये होता था कि 3 का ग्रुप होता था, 3-4 का ग्रुप, पहले जाके अपनी रनिंग करनी, उसके बाद नॉकिंग करनी, पहले खुद करनी फिर दूसरे को करानी, फिर ऐसे अगले तीसरे बंदे को करानी। वो 2 घंटे इस चीज़ में गुजर जाते थे। फिर नेट लगाना, फिर नेट का वेट करना, बारी का वेट करना कि मुझे बारी मिलती है कि नहीं मिलती। अब उस बारी आती है तो फिर वो बारी करनी, वो पूरे इंटेंट से करनी। यार 4 राउंड है या 5 राउंड है, खेलना कैसे, इसको एंजॉय करना है। फिर उसके बाद में फिर नॉकिंग करनी, फिर अपनी ट्रेनिंग करनी, फिर स्पिंटे लगानी, फिर नेट उतार के फिर 8, 8:30 मगरिब के बाद फिर घर आना। और तो ये चीज मुझे टेबल पे सर लगा के सो जाते नहीं, घर आके फिर बैटिंग करनी। मैं हाँ, ये फैक्ट मैं ये बचपन में ये करता रहा हूँ। मैं नहीं बैठता था, मैं बिल्कुल नहीं बैठता था। मैं आके घर में, हमारा एक छोटा सा रूम होता था, एक रूम के अंदर मैंने मैट्रेस लगा के सारे तरफ जो जहाँ वो टीवी या कुछ भी लकड़ी का कुछ भी जहाँ पे कुछ चीज़ टूट ना जाए तो वहाँ पे मैंने चार मैट्रेस थे। तो उनको खड़ा करके तो छोटे को कहना कि वो दरवाजे के अंदर से, वहाँ मैं अगर बता सकूँ उनको, मेरी कवर ड्राइव उस वजह से भी हो सकती है कि वो दीवार दरवाजे से वो मुझे वहाँ से बड़े गेट के पास से वो बॉलिंग करता था और सिर्फ मैं वो ये इस बाहर नहीं खेल सकता था क्योंकि बाहर चीज़ें टूट ना जाए। तो कोशिश होती है मैं अंदर खेलूँ, कवर ड्राइव। तो वो मैंने जब घर आना तो मैंने वो आके 1 घंटा 2 घंटे वो भी कर दी। मैं सुकून से नहीं बैठता था।